हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा केमिस्ट्री में है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ये चीज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा है ना समय दीजिए, आप लोग बेहतरीन रूप से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि अभिक्रिया की कोटि, इसके बाद शून्य कोटि उसमें क्या है, इसके बाद उसका अर्धायु काल क्या है, फिर शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल। इसके पहले लेक्चर में हमने पूरा कवर कराया, लेकिन कोई बच्चा यदि नया आ रहा है तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी। और एक चीज और कहना चाहूंगा, बेहतर तैयारी करने के लिए एक नोट्स की जरूरत होती है, तो नोट्स ले लीजिए। 9685829149 पर आपको कॉन्टेक्ट करना है और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना है। 100 रुपये चार्ज है वन सब्जेक्ट के। चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हमने आपको बहुत बार समझाया है कि भाई साहब, जैसे हम कह रहे हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है ना। रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट, धीरे धीरे रिएक्टेंट में कमी आती है, प्रोडक्ट में वृद्धि होती है, यानी अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या आपका अभिकारक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मिलता है पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे दूध दही में बन रहा है तो दूध जो है आपका क्या रिएक्टेंट है, अभिकारक है। उत्पाद आपका क्या है, दही है। तो धीरे धीरे दूध में कमी होगी, दही में वृद्धि होगी, तो भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक है और मिलने वाला पदार्थ उत्पाद है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यदि हम कह दें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 5 लीटर आयतन है ना, और उसमें 2 लीटर आयतन ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 व्यक्ति काम करने गए और 3 व्यक्ति जाकर के सो गए, 2 व्यक्ति बेहतरीन काम किए। तो वास्तव में जो भाग ले रहे थे वो 5 व्यक्ति थे, लेकिन अंत में किए कितने, केवल 2 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो जो काम करने का निर्धारण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, 2 व्यक्ति। और वही 2 व्यक्ति, इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेंगे, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो जो वास्तव में उनके दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों का वह सांद्रण जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, है ना, या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की वह अणु या अणुओं की संख्या जो वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, उन्हें अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसके बाद हमने ये सब चीज समझा चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि वास्तविक रूप से क्या है, मैंने कहा 5 लोग गए लड़ाई करने, 3 लोग बढ़िया सो गए और 2 लोग बेचारे मर रहे हैं, तो वास्तविक रूप से काम कितने लोग कर रहे हैं, वहां पे 2 ही लोग कर रहे हैं ना, वही चीज है अनुसंगता और अभिक्रिया की कोटि। तो सांद्रता पर आधारित होता है, अभिकारकों की सांद्रता पर, क्योंकि परिभाषा ही है ना यार, अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि समय के साथ क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। अरे कीड़े कितने परेशान कैमरा के सामने आ जाते हैं भाई, मामा की चल जाया करो, वीडियो बनाते समय घूम लो, अरे इतना परेशान करते हैं साले, आकर कहीं कान में लग जाए, कहीं नाक में, कहीं आंख में लग जाए, समस्या कर देते हैं यार। चलो बैठ गया कीड़ा। चलो अब बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब हमने कल आपको समझाया था इन्हीं इसके पिछले लेक्चर में कि जैसे हमारे पास बच्चा लोग अमोनिया है, ये जब प्लेटिनम की उपस्थिति में अधिशोषित होता है तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। बैलेंसी कराना तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या होता है, ये जो अमोनिया टूटता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो ये अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं होता। अब जब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला गई, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाई गई। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती, अपने आप स्वतः संपन्न हो रही। भाई अब ये गैस है यार, बेचारे को कहां तक मारोगे, आवारा तत्व हाइड्रोजन कहीं भी घुमा दो उसके कोई लक्षण नहीं है, समझ रहे हो, आवारा है कहीं से भी जाकर घुल मिल जाएगा। इसी प्रकार ये सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा, बेचारा अमोनिया है ना, गंध बस देता है। तो भाई साहब अमोनिया जो है ये जब टूटता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है बच्चा लोग, और इसका जो अपघटन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। शून्य कोटि में मैंने कहा ना कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं होता, यानी घात 0 है। इसलिए तो इसका एक फार्मूला निकाला था हमने कल, जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान आया था वो R0 - R/T, ये फार्मूला निकल कर आया था, ठीक है। एक ही फार्मूले से काम नहीं चलता, ऐसे भी निकल कर आया था KT = R0 - R, ठीक है, ये भी एक फार्मूला था। इसके लिए हम R का यदि हम मान निकालना चाहें तो R0 - KT, ये भी फार्मूला था, ठीक है। ये सारे फार्मूले हमने कल देख लिए थे।
अब हम बात करें अर्धायु काल। अर्धायु काल का मतलब यह है कि भैया आप खाना खा रहे थे, खाते खाते ऐसा लगा कि बीच में यार पानी पीना पड़ गया, उस स्थिति में आप आधा भोजन कर लिए थे। अब आधा भोजन करने में कितना समय लगा, वो आपका अर्धायु काल है खाना खाने के लिए। समझ रहे हो, हर दिन हम मान लीजिए 10 मिनट खाना खाने में समय लगता है, हमें 10 मिनट का समय लगता है। हम 10 मिनट में मान के चलते हैं कि सपोज दैट 6 रोटी खा लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि 3 रोटी खाने में कितना समय लग रहा है, यानी आधा काम कर रहे हैं हम। समझ रहे हो, 6 रोटी खाने में हमको कितना मिनट लग रहा, 10 मिनट। तो 3 रोटी खाने में कितना समय लगा, वो उसका आधा समय कहलाया। अर्ध आयु काल मतलब कार्य संपन्न होने, यानी आधा कार्य संपन्न होने में कितना समय लग रहा है। इसी प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगी, अभिकारक के संदर्भ में कमी और उत्पाद के संदर्भ में वृद्धि होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभिकारक में कमी होती है, उसे उत्पाद में वृद्धि होती है। इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, समय के साथ। ओके, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, या ऐसा भी कह सकते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के दर के बराबर होती है। ये सब पिछले क्लास में कर लिया था। अभी हम क्या कह रहे हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, स्टार्ट हुई, आधी अभिक्रिया संपन्न हुई और उसमें कितना समय लगा। समझ रहे, कहने का मतलब जो हमारा ये अभिकारक का सांद्रण, हमारा प्रारंभिक में अभिकारक का सांद्रण आर नॉट लेते हैं या आर जीरो पढ़ते हैं, इसको हम प्रारंभिक स्तर पर, अब इसका आधा संपन्न हो जाए, मतलब आधा संपन्न होने में जो समय लगेगा उसे उसका अर्धायु काल कहेंगे। फिर से समझो, इस पूरे का सांद्रण अभी पूरा कंप्लीट है, अब ये घटकर कितना हो जाए, आधा हो जाए, तब कितना समय लग रहा है, ठीक है। फिर से समझो, पूरा प्रारंभ में कितना था, आर नॉट था, आर जीरो जिसे बोलते हैं, अब इसको आधा कर लिया जाए, मतलब अभिक्रिया का संदर्भ आधा रह जाए, मतलब आधा उत्पाद बन गया, उसमें कितना समय लगा उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जिस पर अभिकारक का संदर्भ घटकर आधा रह जाए। आधा रह जाए मतलब आधा अभिक्रिया क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। किसी भी अभिकारक का संदर्भ घट करके आधा रह जाए मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हुई, तो भाई साहब स्टार्टिंग में पूरा 100% था, लेकिन धीरे धीरे अभिकारक उत्पाद में बदलने लगा, एक ऐसी स्थिति आई कि जो अभिकारक का संदर्भ है 50% है, आधा है, आधा उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। उस स्थिति में जितना हमें समय लगा अभिक्रिया को संपन्न कराने में, उसे उसका अर्धायु काल कहते हैं। यानी आधी अभिक्रिया, कुल मिलाकर सिंपल है, आधी अभिक्रिया कंप्लीट कराने, संपन्न कराने में जो भी समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गणितीय व्याख्या करोगे, क्योंकि बच्चे लोग गणितीय व्याख्या तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे, गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या, क्योंकि व्यंजक पढ़ रहे हो ना, इसलिए शून्य कोटि भी हमें पढ़ाना पड़ा, फिर भाई अर्धायु काल पढ़ा दिए। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में, माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आर नॉट, ठीक है, तब अर्ध आयु काल में कितना हो जाएगा, टी हाफ बराबर जो आपका अभिकारक का सांद्रण बचेगा वो प्रारंभिक का आधा बचेगा, प्रारंभिक का आधा बचेगा। फिर से समझ लो, अर्धायु काल में मैंने पहले ही बताया था अभिकारक का सांद्रण घटकर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आर नॉट है या आर जीरो है, तब अर्धायु काल में यानी आधे समय में टी हाफ कर दिया मैंने। यहां 1/2 का मकसद क्या है, आधा आर बराबर आर नॉट अपॉन टू, ठीक है। अब देखो, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने कल बताया बच्चों लोग के बराबर कितना होता है, आर जीरो माइनस आर बटा टी, है ना। यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो केटी हो जाएगा, केटी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो, समझ में नहीं आया, केटी बराबर आपका निकल कर आया आर जीरो माइनस आर, ठीक है।
यदि मैं R को इधर ले आऊं, बच्चा लोग इस R को इधर ले आऊं, R को, और ये R जीरो रहने दूं, और KTA प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। यहां तक क्लियर है, दिख भी रहा होगा, कंप्लीट दिख रहा है यार, थोड़ा सा देखना पड़ता है, कैमरा दूर रहता है ना बच्चा लोग, दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आप लोग होशियार हो यार इतना। अब देखो आगे, अब देखो मैंने कहा R का मान जो है वो घटकर आधा हो चुका है, मतलब R जीरो बटा दो हो चुका है, सही बात है। और ये जो हमारा भाई साहब R जीरो ये तो है ही है, और माइनस ये हमारा KT है तो KT कर दो K, और T जो है हमारा बच्चा लोग हाफ हो चुका है, क्या होगा हाफ मतलब आधा, आधा क्या भाई साहब आधा। अब देखो जरा दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो R जीरो बराबर टू R जीरो माइनस टू के टी हाफ, ये माइनस का इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, देखो जरा ये माइनस का इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो टू के टी हाफ, ये भाई दो है, दो R जीरो है, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा टू R जीरो में एक R जीरो घटा देंगे, देखो तो यहां पर बचेगा दो में एक घटेगा तो R जीरो हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण हो जाएगा। और यहां पर बच्चा यदि मैं कह दूं K को या तो पक्षांतर कर दूं या तो T को पक्षांतर, अर्धायु काल निकाल रहा हूं लेकिन इसलिए T हाफ कर दिया, इधर 2K कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया 2K कर दिया। अब यहां पर देखो शून्य कोटि के जो अर्धायु काल का जो समय है वो प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती है, ये निष्कर्ष निकला, सीधा सीधा संबंध है, उल्टा होता तो व्युत्क्रमानुपाती कर देते, है ना। अतः क्या अतः अतः लगाकर चल रहे हो, अतः शून्य कोटि, अतः शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल अभिकारक के, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, है ना, अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के सम, अर्ध आयुकाल टी हाफ अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती है, क्यों, क्योंकि यहां से यदि यदि हम कह दें, यदि हम कह दें कि टी हाफ कह दो तो समानुपाती आर जीरो लगा सकते हो, क्योंकि एक बटे दो के है ना, यहाँ पे टू के, वन अपॉइंट टू के, ये हम समानुपाती नेता मान लेंगे, सिंपल है, तो ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको लिखो लेकिन यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ये हमारा आ गया शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल, कितना सिंपल है, कौन कहता है कि नहीं बनेगा, इतना आसान नहीं बनेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा। फिर से एक बार समझा देना चाहता हूं मैं, देखो ये के का मान कहां से आ गया, तो प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रिया के शून्य कोटि से मैंने के का मान निकाला आर जीरो माइनस आर अपॉन टी, इस टी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा तो के टी हो जाएगा, आर जीरो तो आर जीरो, आर है तो आर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये के टी इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर मैंने आर की जगह आर जीरो बटे दो कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा था कि अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर आधा रह जाए, तो आधा हो जाएगा, अर्धायुकाल में जो सांद्रण है आधा रह जाएगा, इसलिए मैंने हाफ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसके जगह हाफ रखा और फिर पक्षांतर कर दिया तो टी हाफ का मान आ गया, ठीक है, यहां तक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा और है, यदि मैं कह दूं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पूर्ण होने में जो लगा समय हो कितना होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेडिंग सर, शून्य कोटि अभिक्रिया को, शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय कितना समय लग रहा है अभिक्रिया को पूर्ण होने में। तो चूंकि आपने अभी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा बच्चा लोग, अभी आपने देखा था R बराबर निकल कर आया था R जीरो, देखो ना यहां पे R जीरो बटे दो, यहां पे R था और यहां पर के टी था भाई। अब शून्य कोटि को पूर्ण होने में अर्धायुकाल नहीं कर रहे हैं, पूर्ण समय निकाल रहे हैं, तो पूर्ण होने का मतलब यह हो गया जो प्रारंभिक सांद्रण था
पूर्ण हो रहा हो तो प्रारंभिक सांदर्ण हमारा बच्चा लोग पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो इतना, है ना? तो इस R का मान कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण होने में, शून्य कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, मतलब कंप्लीट जब अभिक्रिया हो जाएगा तो जो हमारा सांद्रण है लास्ट में बचने वाला अभिकारक का सांद्रण है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में जीरो बराबर कितना हो जाएगा? आर जीरो माइनस के टी, है ना, पक्षांतर कर दो तो के टी बराबर आर जीरो, है ना, तो आपका टी बराबर हो जाएगा आर जीरो बटा के। ठीक, अब ऐसे भी निकाल सकते, तो ये पूर्ण होने के लिए समय है और अर्ध के लिए कितना था? टी हाफ कितना था? आर जीरो था बटा टू के, ये आधा के लिए था, पूर्ण के लिए टू का गुणा कर दें, टू का गुणा कर दें तो इसमें टी का मान आ जाएगा, तो जब दो का गुणा करोगे तो टू आर जीरो अपान टू के बराबर टी, और जीरो दो से दो काट दो तो टी बराबर आ गया आर जीरो बटा के। ये देखो यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, दोनों चीज तो है भाई, अर्धायुकाल का था, हमें पूर्ण के लिए निकालना है तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, दो से दो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। भाई साहब टाटा बाय बाय, बच्चों लोग तैयारी करते रहे बेहतर रूप से, मेरे छोटे भाई बहन दिल से शुक्रिया आप सभी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप भाई भाई बोलते हो, बहन की बात ही नहीं करते हो, क्या यहाँ कोई बहन नहीं पढ़ रहे? अरे भाई साहब सब प्यार से बोलो यार, कुछ भी बोलो, समझा करो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है यार, जो टाइम पास करने आता है कमेंट करता रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, जैसा भी लगे वीडियो यार थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप ही अपना राय दे दिया करो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।